हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिपन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर दिया है, पर उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी जस्ट राइट नाउ थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया जी हमारे इंफ्रा के बारे में, तो ये वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग को बहुत हेल्प कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अप स्टॉक्स में, जिसमें ऐसा यूजर इंटरफेस मिलता है जिसमें नामात्र के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्ज कम है। अब चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जीएमआर आलोक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20.90, थोड़ा आउटलुक पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20.90 पे ट्रेड करिए लगातार, और अभी देख सकते हैं माइनस 0.25 और 1.18% तक का डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और बात करें कल के मार्केट के थ्रू, फ्राइडे मार्केट के थ्रू बात करें तो उस पर भी ध्यान देंगे, पर क्या सिचुएशन बनी रही अगर फ्राइडे मार्केट के थ्रू कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुई थी 21.30 और हाई गई 21.45 और लो गई 20.80, मतलब एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन बीच में देखने को मिल गया है। अगर थोड़ा अप पॉइंट से फ्लक्चुएशन परसेंटेज चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.3% का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अब क्या इस पर शेयर्स लेनी सही है कि नहीं, अब इसके बारे में पूरी बात करेंगे और कितनी डाउन तक ये शेयर्स जाती है और कितनी ऊपर तक जाती है तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और वो टारगेट आप लोग ध्यान से रखिएगा। सेम तरीके से मैंने जीएमआर इंफ्रा के बारे में बताया तो वो वीडियो याद से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग पहले अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो जो फ्राइडे मार्केट को निफ्टी 50 का करंट सिचुएशन था, आप लोग देख सकते हैं 1.81% अच्छी खासी ऊपर की तरफ भागते हुए दिखी है और एकदम ऊपर ही रही है, ये लगातार ऊपर रही है और 269 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, वो भी अप के साइड, और 15.175 तक अभी ट्रेड कर रही है, मतलब एक अच्छा खासा ऊपर की साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। पर सेम तरीके से बात करें कि क्या ऐसा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिला है तो ऑफकोर्स नहीं। अगर निफ्टी 50 थी तो थोड़ी सी तो ऊपर रहनी चाहिए, इतनी खास अच्छी खासी ऊपर थी तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और निफ्टी 50 पे थोड़ा जाते हैं और सेंसेक्स पे थोड़ा जाते हैं और देखते हैं, सेंसेक्स में भी अप्रॉक्स 2% का फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया, अच्छा खासा ऊपर जाते हुए सेंसेक्स दिखाया और यहाँ पे देखते 50,540 एक अच्छा खासा ऊपर के साइड फ्लक्चुएशन रहा है। अब क्या किया जाए आलोक इंडस्ट्री में, कितना टारगेट रख सकते हैं, तो ये टारगेट रेंज कहीं लिख लीजिए, कहीं रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कहीं पे भी, पर ये टारगेट रेंज रख लीजिए, आप लोग को बहुत ही प्रॉफिट गेन होने वाला है इस टारगेट रेंज से। तो पर उससे पहले यहाँ पे अगर थोड़ा फोकस करें फाइव ईयर्स उससे पहले ये आई ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब ये ओपन हुई थी ये ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ से ओपन हुई थी और देख सकते हैं कितनी डाउन तक चली गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 4.90 अच्छी खासी डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को, अप्रॉक्स 4 रुपीज़ तक फ्लक्चुएशन देखने को मिल गई थी डाउन के साइड, ये 3 अप्रैल 2020 का बात है। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर परसेंटेज कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं इतना गजब का फ्लक्चुएशन था और ये अच्छी खासी ऊपर गई है ये शेयर्स और फिर डाउन के साइड फ्लक्चुएशन दिखा दी है। यहाँ पे बहुत कोई ने शेयर्स बाय किया था, सबको लग रहा था बहुत ऊपर जाएगी, पर उसके बाद डाउन के साइड फ्लक्चुएशन दिखाया गया और एक अच्छा खासा इसी तरीके से फ्लो मेंटेन कर दी गई है शेयर्स की। अब देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 18 तक टच कर दी है जो जल्दी पहले टच नहीं करती थी। इसकी नॉर्मल रेंज जो मैं अपने हिसाब से रखता था वो मेरी नॉर्मल रेंज थी 19.90 to 23, तो ये इसकी नॉर्मल रेट जाती थी 23 to 24। यहाँ पे अगर सिक्स मंथ पे फोकस करें तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगातार अप डाउन का ऑलमोस्ट 23 to 24 का ये पॉइंट टच करती थी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी 23 तक टच किया है, तो इसमें थोड़ा कम ही दिखाता है गूगल के चार्ट में ऐसे, पर ये रियलिटी में बहुत ऊपर तक टच करती है, 24 तक ऑलमोस्ट टच कर देती है, तो तब पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 23 तक टच कर दी है। तो ऐसे लगातार इसी तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है मार्केट में। और अब कब लेना है इसकी शेयर्स, अब इस पर बात आती है, तो जो नॉर्मली पहले एक पॉइंट जो मेंटेन करके चलती थी, अगर इस पॉइंट पर देखें तो 19.65, ये लगातार
इतना ही का ही फ्लक्चुएशन क्रिएट करके रखती थी, मतलब डाउन के साइड, पर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला और 18.85 तक जाते हुए दिख गई है ये शेयर। तो ज़्यादा चांसेस रखिए कि इस शेयर्स को अगर आप लोग को बाई करने का कभी मन भी करे तो आराम से आप लोग बाई कर सकते हैं 19 रुपीज़ तक में, 90 रुपीज़ तक में इस शेयर्स को बाई कीजिए और 23 रुपीज़ पे जैसे ही ये पहुँचे आप लोग सेल कर सकते हैं। उसके बीच में एक अच्छा फ्लक्चुएशन गैप भी मिल जाएगा आपको, अप्रॉक्स 10% आप लोगों को 10-8% का फ्लक्चुएशन भी मिल जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हैं। एंड आलोक इंडस्ट्रीज लिटरली नाइस शेयर, और ये कोविड सिचुएशन के चलते पैंडमिक एंड ऑल जिसके चलते इसमें अच्छा खासा अप डाउन का मतलब फ्लक्चुएशन हर एक शेयर्स में बना रहता है, पर आप लोग देख सकते हैं फिर लगातार अब ऊपर नहीं जा रही है, इस पर भी आप लोग को फोकस रखना है। पर यहाँ पे अगर 6 मंथ पे ध्यान दें तो उतना ही का फ्लक्चुएशन मेंटेन करके चलिए आप लोग को एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा। ये टारगेट आप लोग लिख लीजिए, कहीं रख लीजिए, आप लोग को हमेशा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो GMR इंफ्रा की वीडियो अपलोड की है, तो ये भी वीडियो आप लोग जाके देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में भी मैंने सेम तरीके से प्राइस रेंज के बारे में बताया कि इतने से इतना का प्राइस रेंज रखेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।